नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूं, जो कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस पोस्ट की घोषणा हुई है वो है सीनियर रेसिडेंट पोस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे सीनियर रेसिडेंट पोस्ट में काफ़ी सारे अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली है, लेकिन जो सारे पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास NMC या फिर MCI रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होनी चाहिए। आपके अपनी MS या फिर DNB में जनरल सर्जरी या फिर इसके इक्विवेलेंट की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। साथ ही कैंडिडेट जिनके पास MCH या फिर DNB है अपनी कंसर्न स्पेशलिटी में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ नीचे आते हो, आप देख सकते हो अटैचमेंट सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है जो कि है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कई चीज़ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी पैटर्न, एनेक्जर्स एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग एट्सेट्रा। तो अगर आप ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट रखते हो तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ इस एरो बटन को प्रेस करके डाउनलोड करते हो तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 10 पोस्ट की घोषणा की गई है। साथ ही यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट मैंशन है। आप देख सकते हो CTVS के लिए 2, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए 1, नेफ्रोलॉजी के लिए 2, न्यूरोलॉजी के लिए 1, न्यूरो सर्जरी के लिए 1, पेडियाट्रिक सर्जरी के लिए 2 एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए 1। आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके लिए जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है 24th मार्च 2022 से लेके जो लास्ट डेट है वो है 8th अप्रैल 2022। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे मैंशन जो डेट ऑफ इंटरव्यू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी वो 11th अप्रैल 2022 की होगी, यानी कि मंडे को। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 18 to 45 years की। साथ ही जो यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो पौंडीचेरी की होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे स्केल भी आपके लिए मेंशन की गई है, आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें। एंड एप्लीकेशन फ़ी ₹500 की है जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए, साथ ही SC एंड ST कैटेगरी के लिए 250। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए पेमेंट के लिए सारे पॉइंट्स मेंशन है, और साथ ही यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में भी सारे पॉइंट्स आपके लिए मेंशन की गई है। तो गाइज़ आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखें और आप एक बार इन जनरल इन्फॉर्मेशन को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। साथ ही आपके लिए यहाँ पर SC ST सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब भी यहाँ पे आपके लिए मेंशन की गई है। साथ ही यहाँ पे आपके लिए सर्टिफिकेट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवानी है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अटैचमेंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अटैच की गई है आपके लिए, तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें। आप एक बार इन्हें खुद से डाउनलोड करके पढ़ें, और साथ ही इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, आपको मैंने समझा दिया है। और अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या फिर अगर आपके पास कोई डिस्कशन थ्रेड है जो आप अपने बाकी कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस फोरम बटन पर क्लिक करते हो तो आप हमारी कम्युनिटी फोरम पर आते हो। इस कम्युनिटी फोरम पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक राइटर रिप्लाई का सेक्शन है। इस राइटर रिप्लाई के सेक्शन में आप अपने डिस्कशन थ्रेड स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो। बेस्ट पार्ट इज कि जब आप अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो आप अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स के साथ भी शेयर करते हो सेम टाइम पे, और वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपके डिस्कशन में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी उन इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो गाइज़ आप ये जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये आपके हेल्प के लिए बनाई गई है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आप इनके बेनिफिट्स लें और आप इनके फीचर्स को एक्सप्लोर करें। आपको मैं बता दूँ ये जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये इसलिए बनाई गई है ताकि आप यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड हर टॉपिक यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लियरेंस ले सकते हो, आप अपने अपने फेलो कैंडिडेट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। आपके हेल्प के लिए मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।